जब से रवि शास्त्री को भारतीय टीम का कोच चुना गया है तब से कुछ न कुछ विवाद हो ही रहा है। अब पूर्व चीफ सिलेक्टर संदीप पाटिल ने टीम इंडिया की कोच चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। पाटिल ने सीएसी के मेंबर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण के कोच चुनने के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि इनको कोच चुनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए था। पाटिल ने कहा कि सब कुछ गलत हुआ। सचिन, सौरव, लक्ष्मण, इन्होंने भले ही कई कीर्तिमान रचे हों, लेकिन इनमें से किसी ने कोच के तौर पर कभी काम नहीं किया। क्या कोच किसी अंपायर को चुन सकता है या कोई अंपायर किसी को कोच बना सकता है? पाटिल ने गांगुली के कोच चुनने से पहले उनके एक बयान पर भी नाराजगी जाहिर की, जिसमें गांगुली ने कोच चुनने के लिए और वक्त मांगा था। पाटिल ने कहा कि गांगुली ने तब कहा था कि समिति को अधिक समय की जरूरत है और मौजूदा कप्तान विराट कोहली से बात जरूरी है। ये तो कुछ इसी तरह है, देखो हमने अगले कोच की पहचान की है और अब आप पर इन्हें चुनना निर्भर है। कहीं लोढ़ा समिति की सिफारिशों को देखते ऐसा तो नहीं किया गया? पाटिल ने बताया कि एक बार उन्होंने गंभीर को ये कहते हुए सुना था कि रवि से पूछो उन्होंने पिछले 18 महीने में नेट पर कितने थ्रो डाउन किए हैं। पाटिल शास्त्री को कोच बनाने के फैसले से खफा हैं। वो शास्त्री को कोच के रूप में सही नहीं मानते। उनका कहना है कि शास्त्री को टीम मेंटर या डायरेक्टर ही बनाना चाहिए था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।